एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं रोहतांग से अटल टनल के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंजॉय कीजिए हमारे साथ। अच्छा, कितने किलोमीटर है यहाँ से? वो तो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। ये जो पानी ये तो अब चिनाब नदी में मिलेगा नीचे जाके, है कौन सा ये? लेकिन आगे जो नदी जाती है वो पाकिस्तान में चिनाब नदी नहीं है, वही नदी है, चंद्रभागा। ये पीछे पीछे क्या दिख रहा है वो उधर? उधर भी जाती है पानी से। हाँ जी, चंद्रताल तो नहीं है ये भैया? चंद्रताल दूसरा रोड है। दूसरा रोड है ये, उधर क्या दिख रहा है पीछे? ये छोटे बनाया हुआ है ऐसे बुद्धिस्ट वाला। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो पीछे जो पानी का है नदी जैसी दिख रही है आगे। नदी तो बहुत नीचे है अभी। ये है कौन सी नदी? कौन सी? ये बड़े आगे जो दिख रही है वो चंद्रभागा चिनाब जो होते हैं वही। चंद्रभागा चिनाब नदी पाकिस्तान में एंटर होती है तभी। फिर अब निकल रहे हैं हम रोहतांग से अटल टनल के लिए। अब यहाँ से उतराई स्टार्ट हो जाती है ना। मौसम ये देखिए, हाँ पीछे धुंध थी बड़ी भारी, अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया, अब हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये देखिए पहाड़ों पे कितनी बर्फ है अभी। हेलो, हाय बाय। देखिए लगता है कि जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है। अब बर्फ के ऊपर नंगे पैर नहीं जा रहे, दूसरे जूते पहने इन्होंने जो लाए हैं। साल ही बना हुआ है, तब पहले तो कच्चा होता था यहाँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत आगे जाके है। 20 किलोमीटर तो ये उतरा ही है। अब मतलब फिर से हम जितना पीछे से ऊपर चढ़े उतने ही नीचे जाएंगे। 20 किलोमीटर उतरा ही है, उसके बाद 10 किलोमीटर आगे जाके है। देखिए क्या व्यू है, सबसे मजा आ जाता है जैसा कि देखे, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पे। हम रोहतांग से थोड़ा नीचे और ऊपर आप गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी है ऊपर। ये सारे लोग जा रहे हैं बर्फ में, तो 6 महीने तो पैक ही रहते थे इधर ही, टॉप से इधर वाले 6 महीने के बाद तब जाके कहीं वो खुलेगा रोड। लाइट करते लाइट अंडरग्राउंड है, वायरिंग जो है वो जमीन से दबाया हुआ है। राशन भी पहले 6 महीने पहले स्टॉक करना पड़ता था पहले इनको। हम लोग राशन छोड़ने हम ही तो आते थे, मैंने 709 भी चलाया ना मैंने पहले।
सब पूरा लॉल गए, सप्लाई लेके आता था मैंने। आलू आजकल तो ब्रोकली लगाते हैं, फूल गोभी लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं। रोड तो बढ़िया है, बार ये भी कोक्सरी, ये कोक्सर पिछे भी कोक्सरी है। मेन जो बाजार तो मेन बाजार ही है कोक्सर का, वो तो गांव है ना। ये नदी कौन सी बताई थी आपने? चंद्रा नदी। ऐसा नहीं लग रहा आपको भी उल्टी तरफ बह रही है नदी? इधर आके ऐसा लगता है ना? हाँ लगता तो है। सही बोलते हैं। अच्छा थोड़ा ये है कि मोशन टूट जाता है चढ़ाई पे ना। अच्छा चढ़ाई होगी बड़ी ज्यादा वहाँ पे? नहीं देखने में नहीं लगता कि चढ़ाई है। अच्छा। ऐसे एकदम घुटा हुआ जैसा हो जाता गाड़ी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता ना वहाँ। अच्छा ले से आगे जाके एक गुरुद्वारा है पत्थर साहब बोल के। अच्छा उससे आगे है वो मैग्नेटिक। मैं तो इधर से जाके श्रीनगर होके भी आया हूँ कई बार। अच्छा गोभी आलू मटर मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। तो आपको बोल रहे थे हम वहाँ पे खा लो मड़ी में। मड़ी में उतना अच्छा नहीं बनाते। अच्छा आप यहाँ ब्रिज में भी जा सकते हैं। कोक्सर हम पहुंचे कोक्सर में। यह है कोक्सर का पुल और यह है चंद्रा नदी। आप देख सकते हैं कि चंद्रा नदी का कितना बहाव है। ये रुकी है हमारी गाड़ी। तो यहाँ पे बहुत ही तेज हवा चली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियों की तरह उधर दिख रहे हैं सीढ़ियों में खेत हैं इनके। आज के लिए उन्होंने मटर गोभी बहुत सी सब्जियां लगाई हैं। ये देखिए पानी का बहाव आप देख ही सकते हैं। हम आगे हैं 21 किलोमीटर नीचे यानी कि रोहतांग पास। यहाँ से है 21 किलोमीटर। गाइज अभी हम निकल रहे हैं कोक्सर से अटल टनल के लिए। और ये हम बस पहुंचे गए अटल टनल के बाहर। और यहाँ पे आगे आगे देखिए चंद्रा ब्रिज, चंद्रा ब्रिज जिसके नीचे रहते हैं वो चंद्रा ब्रिज। बस यहीं से अटल टनल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। और ये हम अटल टनल में एंटर हो रहे हैं।
नॉर्थ पोर्टल से। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक टनल बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। अटल टनल को रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। इस टनल की लेंथ है 9.02 किलोमीटर जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज दुनिया की सबसे लंबी टनल में हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। और ये सुरंग जो है वो एक घोड़े के नाल के आकार की है। इस सुरंग को बनाने का उद्देश्य क्या था, जब सर्दियों में बर्फ गिरता था तो लेह मनाली रोड जो था वो 6 महीने के लिए बंद रहता था। इसी उद्देश्य को मतलब पूरा करने के लिए, ताकि रोड 6 महीने बंद ना रहे, इसलिए ये टनल बनाया गया। और इस टनल को बनाने के बाद लेह और मनाली के बीच लगभग 4-5 घंटे का सफ़र जो है वो कम हो गया है। यानी कि ये टनल मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। अटल टनल की समुद्र तल से ऊंचाई है 10,000 फीट, जबकि जब हम रोहतांग गए थे तो रोहतांग की जो टॉप की हाइट है वो 14,000 फीट से ज़्यादा की है। और ये है अटल टनल के बाहर का नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और अटल टनल का जो गेट है उसके ऊपर आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जब हम किसी कैलेंडर में अटल टनल का फ़ोटो देखते हैं तो यही वाली पहाड़ियाँ उसके ऊपर नज़र आती हैं। और बर्फ़ है अभी इन पहाड़ियों पर। रश आप देख ही सकते हैं टनल देखने के लिए, कितने लोग आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है। और थोड़ी देर हम यहाँ फ़ोटोज़ लेंगे अटल टनल के पास और उसके बाद हम चलेंगे। तो बस अभी हम निकल रहे हैं मनाली के लिए वापस। तो चलिए चलते हैं वापस। वापस आ चुके हैं मनाली, और मनाली से हम जाएंगे वापस कुल्लू। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ भाई की कौन सी गाड़ी हम लेके गए थे। ये
वाली गाड़ी हम लेके गए थे रोहतांग, ये है नंबर और इनका नाम है राजू। तो ये है राजू भाई, थैंक यू भाई इतना अच्छा गाइड करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। तो भाई ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, ये अच्छा बहुत अच्छे गाइड हैं, इनके साथ बहुत अच्छा सफर रहा और एक एक चीज की डिटेल इन्होंने मतलब इतनी डीपली बताई। तो आप भी कभी कुल्लू मनाली घूमने आए तो अगर आपको गाड़ी में जाना हो तो इनकी गाड़ी ज़रूर बुक करें, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अपना प्यारा हिमाचल।